हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि सुबह के 9 बज रहे हैं। आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ सूजी का बहुत ही बेहतरीन टेस्टी नाश्ता। इसमें देखिए, सूत्र तो मैं बताती हूँ, डिटेल भी मैंने नहीं दिखाया आपको क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। देखिए, मैंने सूजी 1 कप सूजी लिया था, 1 कप गेहूं का आटा लिया था, इसमें पालक डाला मैंने महीन महीन काट करके, धनी धनिया की पत्ती काट के डाला था, हल्का सा मोयन डाला था, ऑयल कोई भी डाल दीजिए आप जरा सा, वैसे रिफाइंड डालिएगा, और हल्का सा नमक डाला था। 2 घंटे के लिए मैंने इसको भून के अच्छे से रख दिया था। ये 2 घंटे पहले मैंने भून लिया, इससे क्या होता ना कि एकदम मुलायम सॉफ्ट बढ़िया स्मूथ बन के तैयार होता। देखिए कितना बढ़िया तैयार हुआ, हरा हरा, देख कितना अच्छा लग रहा था देखने में, ग्रीन ग्रीन। और उसके बाद मैंने क्या किया कि देखिए, इसमें मैंने 2 बड़े बड़े आलू लिया था, आलू को उबाल करके आलू को मैश किया, उसके बाद मैंने हल्का सा ऑयल डाला, डाल के हल्का सा मैंने पहले 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया और गरम मसाला हल्का सा मतलब फ्राई हल्का सा मतलब रोस्ट कर लिया था कढ़ाई में। उसके बाद मैंने इससे सब कुछ मिलाया, मैंने गरम मसाला, मूँगफली और 1 चम्मच जीरा, धनिया, अमचूर पाउडर सब डाल करके अच्छे से आलू खूब बढ़िया से फ्राई कर लिया था। और हल्का से मैंने सफ़ेद तिल भी डाला था, मैंने दिखाती हूँ सफ़ेद तिल आपको, इसमें अच्छी लगती है सफ़ेद तिल डाल दीजिए तो सफ़ेद तिल मिला करके बनाई था, बहुत ही अच्छा बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। कल मौसम बहुत बढ़िया था, आज चली धूप निकल आई है, और जो है ना सुबह नाश्ते में समझ आता है क्या बनाया, तो मैंने तो सुबह यही बनाती हूँ, टेस्टी भी रहेगा, फायदेमंद भी होता है, हेल्दी होता है, ज़्यादा क्योंकि सूजी पड़ी हुई इसमें, तो आप जरूर ट्राई करिएगा इसको। सफ़ेद तिल हल्की सी मिला दिया मैंने, इसमें डाल देंगे सफ़ेद तिल। ये देखिए, ये अप्पे वाला सांचा है, चटक रही ना इसमें, तो बस चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसको हम बेलेंगे पतली पतली, बेल करके इसे रख देते हैं। बहुत ही बढ़िया नाश्ता, और आप लोग भी ट्राई करिएगा भाई, बहुत ही हेल्दी बहुत ही टेस्टी नाश्ता होता है। इसमें 12 बनेंगे एक बार में, आप चाहे तो कढ़ाई में भी रोज डीप फ्राई भी कर सकते हैं और तवे में भी कर सकते हैं, कि मैंने अब तक सांचे में बनाया है, तो सांचे में बढ़िया बनते हैं। देखिए थोड़ी बेल के इनको 12 किलो इनकी बन कर लेते हैं। बहुत जल्दी पक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। आलू का पेस्ट ना बहुत बढ़िया मैंने तैयार किया है, मूँगफली वगैरह सब डाल के बनाई, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस इनको ऐसे ऐसे हल्का सा गोल कर कर के ये देखिए, इसमें आलू को, इस आलू को पेस्ट को ऐसे भर दिया, देखिए भर करके ऐसे बंद कर देंगे, ये देखिए ऐसे भर करके इसको हम, गोल गोल बना करके देखिए, इसमें ऐसे मैंने रख दिया, ये देखिए ऐसे सारे बना के ये देख सकते हैं आप। हल्का से इसको बेल करके ये हरी धनिया पालक का फ्लेवर देख कितना अच्छा लग रहा है देखने, कितना हरा हरा, कितना बढ़िया लग रहा है। मसाले से मैंने सब कुछ डाले, तो बहुत बढ़िया मसाला तैयार किया था मैंने, बहुत ही इजीली बन सकता है, कोई बहुत इसको बनने में कोई बहुत टाइम नहीं लगता है। देखिए ऐसे करके सारे ऐसे रख दूंगी,
इधर चाय चढ़ी हुई है भाई भाई आइए आप लोग भी गर्मा गर्म खा लीजिए। आप लोग क्या मौसम कैसे यहाँ तो कल पानी बहुत बरसा बहुत ज़्यादा, तो शाम को ही बनाने वाली थी लेकिन मौसम गड़बड़ा था, मैंने सोचा कहीं शुरू करूँ वीडियो ऐसा ना हो कहीं लाइट चली जाए, क्योंकि लाइट बगैर तो सब क्योंकि ऐसे बेल करके सारे मैंने अब्बे के साँचे में डाल दिया, ऐसे बारह बना लूँगी। इनको उलटते पलटते रहना ऐसे जिससे कि अंदर बाहर अच्छे से पक जाए। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया घी, इसमें डाल दिए हल्का सा घी या रिफाइंड कुछ भी डाल दीजिए। हम इनको सबको ऐसे भर लेंगे, भर के साँचे में ऐसे डाल देंगे। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। इधर हमारी चाय बनके रेडी है और भाई ये रेसिपी अगर मेरी पसंद है आप लोगों को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा मेरे साथ और आप लोग भी जरूर बना के ट्राई करिएगा इसको। मेरा फेस नहीं दिख रहा फोन में, ऐसे ही होता है चाहे ये देखिए बनके अब इसमें भरने हैं दो चार। सफेद तिल जरूर देखिए, सफेद तिल पे छिटकाया ना कितने अच्छे लग रहे हैं इसमें दिख रहे हैं सफेद तिल। इनको ऐसे धीमा कर दिया मैंने इसको इतनी चक्कू से, इनको उलटते पलटते रहेंगे ना तो खूब बढ़िया ये देर बढ़िया खूब बढ़िया से पक जाएंगे। ये देखिए कितने बढ़िया देख रहे, बस उलटते पलटते रहिए ऐसे। ये देखिए सारे लाल लाल कितने बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। ऐसे सारे भर के तो ये देखिए भाई नाश्ता तैयार हो रहा है। दो और बनेंगे रखती है इसमें एक कप ग्यारह इसमें आइटम बने ग्यारह बॉल्स बन के तैयार हुई। चलिए कोई बात नहीं टेस्ट ही अपना था भर दिया। तो ये देखिए तैयार बनके इधर चाय बन जाए। हल्का इसमें तेल डाल दिया जिससे कि ये अच्छे से बनके
रेडी हो जा। देखिए कितने बढ़िया तैयार हो गए, ये देखिए। चाय बन के तैयार। डिटेल में बताऊंगी ना तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने डिटेल में नहीं दिखाया आपको बनाते वक्त, क्योंकि फिर देख सकते हैं आप जैसे अप्पे नहीं बनते, बिल्कुल अप्पे की तरह बने हैं ये। बस पक जाए, इनको लाल लाल जब एकदम ये पक जाए तो बस इनको आप निकाल लीजिए। चाय चढ़ी हुई है, हमारी चाय बन गई। देखिए सफ़ेद तिल ना नज़र आ रही ना, इतनी अच्छी लग रही लाल लाल। बस इनको ऐसे लाल लाल पका लीजिए, बन के तैयार रेडी। नाश्ता दिया, भाई मेरे रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा बना के। और भाई देखिए मैं फिर आपको दोबारा याद दिला दूँ कि ज़रूर कमेंट्स, अगर नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो मुझे रिस्पांस मिलना चाहिए ना। तो भाई बताइएगा आप लोग। देखिए लाल लाल तैयार, बिल्कुल बन के तैयार, कितना अच्छा फ्लेवर इसका आया। ग्रीन तैयार हुए बन के बिल्कुल चाय। ज़्यादा तेज नहीं करना ना जल जाएंगे ये चाय। बस बैठ के तेज आंच में अच्छे लग रहे हैं देखने में। देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि मैंने मसाला तो बहुत ही बढ़िया से मिलाया है भैया। बकायदे मूँगफली, जीरा, धनिया, अमचूर पाउडर सब कुछ डाला मैंने। देखिए बढ़िया रेड रेड बन के तैयार हो गए।
सब। तिल देखिए सबसे सबसे कितना अच्छा लग रहा है, अगल बगल छिटका हुआ है ना। ये चाय भी रेडी हो गई भाई, चाय में दूध डाल दो। आओ भाई गर्मा गर्म नाश्ता ले लो, ले जाओ। नाश्ता बिल्कुल रेडी है। आप जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही हेल्दी बहुत ही टेस्टी नाश्ता है, बन के तैयार हुआ है ये। बहुत ज़्यादा इसमें काम जाम भी नहीं है कि परेशान होना पड़े। नाश्ता रोज करना है तो क्या करें आदमी, क्या बनाए रोज चलाओ। आज बनाना है तो आप लोग के साथ शेयर करूँ। देखिए भाई मेरे को क्या कहेंगे आप, अप्पे कहेंगे या सूजी आलू से बना हुआ टेस्टी नाश्ता, इसका क्या नाम, इसको क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे इसका, मुझे नहीं पता। मैं तो बना लिया, आप लोग को दिखा दिया। अरे खाने में देखिए भाई बन के नाश्ता तैयार हो गया। आओ भाई जिसको जिसको खाना हो गर्मा गर्म, क्या हो रहा है। ये देखिए आपको, ये देखिए कितने करारे करारे
आवाज आ रही ना खाने की, क्योंकि मैं बहुत करारे कुरकुरे कुरकुरे बन के रेडी हुए हैं। ये देखिए गर्मा गर्म बढ़िया आई है, आप लोग भी खाइए, कितना बढ़िया नाश्ता बन के तैयार हुआ। मैं आपको दिखाऊं तो इसको कितने अच्छे बने हैं, ये देखिए, ये कितना बढ़िया आलू का फ्लेवर इसमें भरा हुआ अंदर, कितना अच्छा लग रहा है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर रेसिपी पसंद आए तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।